नारायणपुर के कांग्रेस नेता विक्रम बैस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक नारायणपुर ठेकेदार संघ का पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष राठौर मुख्य साजिशकर्ता है। मनीष फिलहाल फरार है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, वाहन जब्त करने में सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि विगत 13 मई की रात को कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। विवेचना में कुछ चीज़ें ऑलरेडी निकल कर आई है। मनीष राठौर ने ही इन्हीं लड़कों का इस्तेमाल करके 1.5 महीने पहले पत्रकारों के घर में स्पीड पोस्ट करके धमकी भरी चिट्ठियां भेजी थी और उसको ऐसा एंगल देने की कोशिश किया गया था कि नक्सलियों ने भेजा है। और मनीष राठौर ने ही उन्हीं 2 लोगों का इस्तेमाल करके शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में भी हाथ से चिट्ठियाँ पहुँचाई थी नक्सलियों के ओर से। तो मनीष राठौर का एक मकसद ये भी था कि शहर में नक्सलियों की ओर से एक डर का माहौल बनाया जाए और उस बीच में कुछ घटनाओं को कारित किया जाए जिससे ऐसा लगे कि घटना नक्सलियों ने ही किया है। इसी तरह से मनीष राठौर ने इन्हीं लोगों से कम 2 बार, उसके पकड़ाने के बाद और भी चीज़ें निकल के आएगी, लेकिन कम से कम 2 बार नक्सली बैनर भी लगवाए हैं शहर में या शहर के बाहर, नक्सली बैनर भी लगाए, कपड़े का बैनर भी लगवाया है। तो उसकी एक मंशा ये भी थी कि शहर में नक्सली प्रभाव बढ़ रहा है, नक्सली डर बढ़ रहा है, नक्सली की पहुंच शहर के लोगों में आ रही है। ये माहौल उसने पिछले 1.5-2 महीने बनाने की कोशिश की और उस बीच उसने एक घटने को कारित किया। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनीष राठौर को जल्द पकड़ने का दावा किया है। वहीं पुलिस ने शेष आरोपियों की गिरफ्तारी बिलासपुर और दुर्ग जिले से की है और इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।